अजराई क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये अम्मी के कमरे में क्यों खड़े हो तुम सब? और ये बंदा कौन है? अरे भाई मैं बताती हूँ ना, ये ना वो ना लकड़ी का काम करता है ये बंदा। तो ये इसको फर्नीचर दिखा रहे थे कि ऐसा फर्नीचर बन जाए, तो ये मुझे पसंद है ना ये फर्नीचर दरअसल, तो मैं इसको ये दिखा रही थी अगर मुझे ऐसा बना कर दे दे तो। अच्छा जी हाँ, सही कह रही है सुनारा, बिल्कुल सही कह रही है। लो भाई उसे नारा देख लिए ना फर्नीचर, अब चलो अब जाओ घर, घर जाओ अपने इस बंदे को भी लेके जाओ बस। हाँ तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं घर में मौजूद ना हूँ तो किसी भी आदमी को अंदर मत आने दिया करो। अच्छा अच्छा जाओ ना उसे नारा, तू तो इसको लेकर जाओ। अरे आप नीचे चले, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ। चलो अरे भाई आज तो बाल बाल बच गए वरना पकड़ ही लेते मेरे शौहर तो मुझे। अरे भाई मैंने बचाया, मेरा शुक्रिया अदा कर। अरे हाँ भाई तूने ही बचाया, शुक्रिया तेरा बहुत बहुत। अच्छा उस बंदे को पैसे कितने देने हैं? अरे भाई 700 दे दिया मैंने, अब तू मुझे पैसे वापस कर दियो। अच्छा चल तू वापस आएगी ना, फिर से आएगी, दे दूंगी तुझे, फिक्र मत कर बस। तू बस रोने लग जाती है, बकवास मत कर सरा, चल मैं चलती हूँ चल। ये तुम कहाँ जा रही हो इतनी तैयार होके सुबह सुबह? और अली कहाँ है? वो अली स्कूल गया है। अरे भाई जब मैंने कहा था कि मैं फीस नहीं दे सकता तो क्यों उसको स्कूल भेज रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं वो मैंने जॉब ढूंढ ली है, मैं जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी और अपने बेटे की फीस खुद दूंगी। सो फनी, जॉब और तुम्हें मिल जाए। जी मुझे मिल गई है टीचिंग की जॉब, बस कर दो ये टीचर, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, समझ आइए। और हाँ उसको भी घर बिठाओ लाकर, दिमाग खराब किया वह। और मेरी बात एक गौर से सुन लो, जो करना है ना करो, लेकिन जब मैं घर आऊँ तो मुझे वक्त पे खाना चाहिए, समझ आई? जी तो बच्चों आज से ये आपकी न्यू उर्दू एंड इस्लामियात की टीचर हैं, इनका नाम है फबीहा। अच्छा फबीहा अब मैं चलती हूँ, आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें। और चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ओह ये देखा ये वो पेंसिल तो दे वहां से। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बच्चों प्लीज आप लोग चुप कर जाएं, बच्चों चुप कर जाएं प्लीज, बच्चों कीप क्वाइट। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सामियात एंड उर्दू। आप लोगों में से कोई एक बच्चे मुझे अपनी कॉपी लाकर दे दें। अम्मी मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, मैं ज़रा जा रही हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाई बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ अम्मी, अब आपको हर चीज़ बता कर थोड़ी ना जाऊँगी, नाश्ता बना दिया करने जाकर। और हाँ मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, और तो फ्रिज में चावल पड़े हैं वो गर्म कर लीजिएगा और खा लीजिएगा। चलें अल्लाह हाफिज़। हाँ आयशा कैसी हो? जी भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हो? और मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हो मुझसे? आप मिलने ही नहीं आई मुझसे। अरे भाई तुम बताया था मुझे किसी ने, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा भाई मुझे निकलने देता है। अच्छा खैर बताएं ना आप इतनी खुश क्यों हैं? पता है मैंने जॉब ढूंढी है। जॉब ढूंढी है? और हाँ आज मेरा पहला दिन था जॉब में। आपने जॉब क्यों ढूंढी है? भाई क्या करेंगे फिर? बस वो कह रहे थे कि मैं फीस नहीं दूंगा अली की, तो इस वजह से मुझे ढूंढनी पड़ी। तुम आगे तो सुनो। अच्छा जॉब है क्या वैसे? जॉब टीचिंग की है, स्कूल में टीचर की ज़रूरत थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। पता है पहले तो बच्चे चुप ही नहीं हो रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, इतना शोर कर रहे थे, एकदम से मैंने बोला सब चुप करें और सब चुप हो गए। पता है? अच्छा हाँ सब इतना डरते हैं मुझसे। अच्छा आप ये चाहती थी? नहीं नहीं मैं ये तो नहीं चाहती थी, बट वैसे ही बता रही हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं ना खाना बना रही थी। अच्छा चलें ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, चलो अल्लाह हाफिज़। अरे भाई मैं ना तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। क्यों अब मैंने क्या कर दिया? देखो कितना लेट आए हो तुम। अच्छा भाई माफ़ कर दो मुझे। और बताओ क्या हाल चाल है? हाँ सब ठीक है। और खुशखबरी सुनाओ। हाँ डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। किस चीज़ के? फ्लैट के। क्या सच में डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं? हाँ हाँ बन गए हैं, लेकिन ना तुम्हें एक दिन मेरे साथ जाना पड़ेगा साइन वगैरह करने के लिए। हाँ हाँ क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, जिस दिन जाना होगा तो मुझे ले जाना अपने साथ।
अच्छा चलो ठीक है, जिस दिन जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। और सुनाओ। हाँ सब ठीक। और वो तुम्हारी बीवी कैसी है? उसको तो रहने ही दो, दिमाग खराब करना ही आता है उसको। क्यों अब क्या कर दिया उसने? दफा करो बस तुम ये सब, आओ हम अपनी बात करते हैं। अरे भाई मैं तो इतनी खुश हूँ ना हमारी शादी के लिए, ना मज़ा आएगा, हमारी शादी हो जाएगी। हाँ सही बोला। मैं तो थोड़ा सा परेशान भी हूँ। परेशान क्यों यार? जब अम्मी को पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, तो अम्मी क्या सोचेंगी? अरे भाई दूसरी शादी क्यों? तुम तो अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दोगे क्या? तलाक? हाँ ये क्या बात हुई? और हम, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे और उसको तलाक दोगे। अच्छा हाँ इसमें क्या मसला है? तलाक के कागजात भी कुछ ही वक्त में बना लूंगा, फिक्र मत करो तुम। ये हुई ना बात? थैंक यू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाले। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो बस वैसे ही। हाँ बस वैसे ही, अब करना भी जो कहा है ये ना, मुकर जाओ। भाई किसकी कॉल थी नीचे? हाँ वो अम्मी की कॉल आई थी। अम्मी कह रही हैं कि उनकी दवाइयाँ और जो है ना जेवर वो इधर रह गए हैं, तो बस वो लेकर जाने हैं उनके पास। अच्छा अच्छा जेवर मैं पैक कर दूंगी। नहीं मैं कर लेता हूँ, वैसे भी वो डब्बे में पैक है, मैं खुद कर लूंगा तुम रहने दो। अरे भाई मैं कर देती हूँ ना, मैं बोल तो रही हूँ। अच्छा जरा गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे भाई कर दूंगी ना मैं पैक, सब कुछ पैक कर दूंगी, आप दिमाग मत खराब करें बस। अच्छा फिर अभी देने जाना थोड़ी देर बाद, तो पैक कर दो। अच्छा आप नीचे जाकर बैठ जाएं। क्यों भाई ऊपर क्या मसला है? अरे भाई जाए ना यहाँ की लाइट बंद करूं। अच्छा भाई जा रहा हूँ। उफ अल्लाह शुक्र है ये नीचे गए हैं, नीचे जाने को तो नाम ही नहीं ले रहे थे। अब जल्दी जल्दी जेवर तब्दील करती हूँ, किसी को पता ना चल जाए। चलो भाई सारा जेवर तो हो गया सेट, ये रहे नकली जेवर और ये रहे असली जेवर। अब बुढ़ी लेके बैठे नकली जेवर, इतना जेवर जमा किया हुआ, ये नहीं कि बहू को थोड़ा सा दे दूं। अब दफा हो मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए। क्या मिन मिना रही हो ये तुम खुद से? हाँ ये नहीं तैयार हो के बैग। अच्छा चलो ठीक है। और दवाइयाँ? दवाइयाँ नीचे डब्बे में बढ़िया, ले लें जाके दे दो ना। अरे भाई ले लें जाके, हाथ टूटे हुए क्या? अभी तो तुम बड़ा कह रही थी कि जेवर मैं रख देती हूँ, अब दवाइयों के नाम पर तुम जा नहीं रही। अरे भाई नीचे पड़े ना, नीचे से ही जाना है आपने, दिमाग मत खराब करें।